अस्सलाम वालेकुम प्यारे। तो इस वक्त सुबह का टाइम है, 11 बज रहा है। मेरे घर का कुछ थोड़ा सामान ख़त्म हो गया था, वो लेने जा रही हूँ मैं। तो ये भी लॉगिंग है मेरी स्टार्ट। बस ये है कि कैमरा थोड़ा सा मैं ज़रा थोड़ा मोबाइल को दूर रखती हूँ, क्योंकि हाँ आपको पता है छीना झपटी के बाद सब होती है। अल्लाह ताला महफूज रखे। मेरे पास तो यही मोबाइल है। अच्छा, मैं भी लॉगिंग कर रही हूँ स्टार्ट। ठीक है, दे रही हूँ। ये देखिए, आज छुट्टी का दिन है, इस वजह से ज़रा गाड़ी मैंने कपड़ा डाल के रखी हुई है। ये आसपास आप देख रहे हैं क्या चल रहा है सिलसिला। ठीक है, अपने मैं सौदा लेने जा रही हूँ, जो सामान ख़त्म हो गया था बच्चों के लिए, वो लेके लेने जा रही हूँ मैं। अच्छा, अगर बेकरी आई हूँ, ये हाँ मुझे लीटर वाला ऑल पर दे दो, मगर डेट देख लेना उसकी, है ना। लीटर वाला ऑल पर दो, और वो देखो, बात सुनो, कौन सा, हाँ एक ये दे दो फिर। और मुझे क्या नाम है, एक काम और करोगे, अगर एक 5,000 दही मंगवा दो मुझे, एक वो मंगा दो उससे। ठीक है, और 50 की मुझे ट्विस्टर दे दो मिक्स। अरे एक पाव दही ला दो। है क्या? हाँ 80 रुपये की दही है, तो मेरे से ले लेना, मैं पैसे निकाल देंगे। हाँ हाँ 80 की आती है। और क्या है, याद कर लूँ भाई, मैं भूल जाते हैं, जाते जाते भी निकल गए। जी भाई मेरे, मुझे अब मिर्चे चाहिए। क्या पाव दे रहे हो? हरी मिर्चे 60 रुपये, छोटी भी बड़ी भी। एक पाव दोनों मिक्स करके दे दोगे, और हरा धनिया दे दो 10 रुपये का खुला। और अरवी क्या चल रही है? 60 रुपये 100 किलो, 100 रुपये की आधा किलो। अच्छा, केरी क्या दे रहे हो? नहीं बस एक पाव दे दो, देखो एक आ रही है क्या, कितनी आ रही है। मिर्चे दोनों दिए ना, छोटी बड़ी भाई, एक पाव। हाँ हरा धनिया रख दो 10 रुपये का। हरा धनिया भी रख दो। क्या हो गया इसके पैर में? रक्षे वाला है, मैंने कहा पता नहीं केड़ा, वो चोट वोट लग गई है शायद। बस यही चाहिए। हाँ जो बारिश वारिश हो जाए बेकार में, मैंने कहा सामान ले लो, पकड़ लो अपना। ये देखिए मैं अभी सामान लेकर आई हूँ सारा, अपने घर आ गई हूँ मैं सामान लेके सारा। ये देखिए प्यारे से, ये मैं सामान लेकर आई हूँ, बेकरी का सामान लिया, कुछ सब्जी वब्जी ली, दूध वगैरह ऑलपर वगैरह लिया, क्योंकि ये ख़त्म हुआ हुआ था मेरे पे। मिर्चे वगैरह, हरी मिर्चे, धनिया, पुदीना, ये सब लिया। तो ये अभी अभी आई हूँ मैं, बिल्कुल हब सो रहा है बाहर बिल्कुल। प्यारे से मैं ये सामान सारा लेकर आ गई हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारा ये सब लेकर आई हूँ। अभी बेकरी का सामान है, कुछ सब्ज़ी थी वो लेकर आई हूँ,
और बाहर बारिश का भी थोड़ा इम्कान है, इम्कान तो है, बताते तो हैं, हब्स भी बहुत हो रहा है, पर ये है कि गली में पानी वानी खड़ा हो जाता है ना, मेरे जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी थोड़ी थोड़ी वो ले ली बस मैंने, और बाकी ये है कि जो 11 बजे का टाइम है ये रूटीन मेरी चल रही है, वीलॉगिंग है ये मेरी, और चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जाहिर है गाड़ी तो निकाली नहीं है क्योंकि किसी काम के बगैर मैं गाड़ी क्या करूँगी निकाल के, पेट्रोल वगैरह डलवाना पड़ता हर रोज़ उसके अंदर, ठीक है ना, तो इसलिए ज़रा मैं अपना थोड़ा खर्चा भी बचाती हूँ खामो खा के लिए गाड़ी नहीं निकालती, ठीक है ना। मेरा ये काम चल रहा है, जो भी है अल्लाह पाक मेरी मदद करे, और इंशाल्लाह अल्लाह ही मदद करेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, अल्लाह पाक हमारी और हम सबकी हिफाजत फरमाए, तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक सबकी दूर करे, और बिजली वालों के इलेक्ट्रिक वालों से भी निजात दिलाए, इस हुकूमत से भी निजात दिलाए अल्लाह पाक, बस ये दुआ है। और प्यारे व्यूअर्स मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और दुआओं में याद रखिएगा हमारे बच्चों को, हम लोग अल्लाह हाफिज़। ये देखें प्यारे व्यूअर्स, सफाई कर रही हूँ गली की अपने घर के आगे की, तो यहाँ भंगी तो आपको पता है आप बहुत देर देर में आते हैं, ये देखें, ये देखें की सफाई है, दूसरों के आगे कचरा फेंक देते हैं ये लोग, कोई सफाई सुथराई का ख्याल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये देख लें, ये है हमारी गली है, ये सही है ना। कोशिश करते हैं कि भैया हम अपना घर को आगे का हिस्सा कम से कम साफ कर लें, ये देखें किसी ने अपने घर के आगे वो रखवाया हुआ, बस सामान और कचरा नीचे ही पड़ा हुआ, सारा बॉक्स है ना कचरे का रखा हुआ रेड वाला ये, और कचरा फिर भी बाहर नीचे ही फेंका जा रहा है, ये हालत है लोगों की, दूसरों के आगे कचरा घर के आगे फेंकना, ये करना वो करना, ये सब इनका सेवा है ये। बहरहाल मैं तो अपना आगे का साफ करती हूँ, मैं किसी की मैं बोल नहीं सकती क्योंकि सब मेरे ही पीछे पड़ते हैं, फिर ये देख लें क्या हालत है, देखें सी आ गई हूँ, दरवाज़ा बंद कर रही हूँ मैं अब अपना, ज़ाहिर है बाहर गई थी, चप्पल उप्पल भी गंदी हो गई, वाइपर भी गंदा हो गया है, तो इसको मैं ज़रा धो रही हूँ अपने पानी वानी डाल के, ये देखें सारा कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ तो मट्टी गंदगी बहुत है, अपना घर के ऊपर साफ रखने के अलावा भी बहुत सी सफाइयाँ करनी पड़ती हैं, सही है ना। ये समझ लें ये इलाका गाँव देहात से कम नहीं है, बहुत ख़राब इलाका है बहुत, अल्लाह पाक बहुत जल्दी से निजात दिलाए हमें यहाँ से, ये देखें सफाई करने के अलावा भी पानी वानी भी सूख के, ये कैमरा मेरा इसलिए हिलता है ज़्यादातर ना, वो मैं ही बना रही होती हूँ वीडियो, मेरे घर पास कोई होता थोड़ी है, वीडियो भी मैं खुद बना रही हूँ, हर सारे काम मैं खुद करती हूँ, इसलिए कोई एक बंदा हो ना जैसे कैमरा लेके सारी चीज़ें बनाए दिखाए हमें भी दिखाए सब कुछ, तो वाला हिसाब नहीं है, मैं जितना अपने आप को दिखा सकती हूँ आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है ना। ये मैंने अभी सफाई की है, पानी डाल के अपना वाइपर भी धोया है और चप्पल वगैरह भी धोई है, ये देखे ये चप्पल वगैरह धोई है सब कराए, क्योंकि भाई मैं इस घर के अंदर किचन में इस्तेमाल होती है, मैं सफाई रखती हूँ, चाहे मेरा जैसा भी घर है पर मैं सफाई निस्मान है, सफाई में पूरी रखती हूँ अपनी,